जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंडियन आर्मी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में बिना रिटन एग्जाम दिए आप एक ऑफिसर कैसे बन सकते हो, हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी विदाउट गिवन एनी रिटन एग्जाम। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इंडियन आर्मी में से 5 एंट्रीज होते हैं जिसके थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो बिना किसी रिटन एग्जाम दिए। तो वो एंट्रीज कौन कौन सी है सब कुछ बताऊंगा उनके बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट रिटन एग्जाम, सेकंड एसएसबी इंटरव्यू, थर्ड एसएसबी मेडिकल टेस्ट, उसके बाद ही आप एक ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में हम इसे 5 एंट्रीज को देखेंगे जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हो विदाउट गिवन एनी रिटन एग्जाम। तो वो एंट्री कौन कौन से, चलिए देखते हैं। दोस्तों 5 डायरेक्ट एंट्रीज में से फर्स्ट डायरेक्ट एंट्री है 10+2 TES एंट्री, जो कि टेक्निकल एंट्री होती है 10+2 कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% के साथ क्लियर किया है, साथ में JEE मेंस भी क्लियर किया है। उन सभी कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिलअप करने के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट की SSB मेडिकल टेस्ट होता है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट की 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जो कि 2 फेज में होती है। फेज 1 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है जो कि MCE पुणे, MCTE मऊ, MCEME सिकंदराबाद में होती है एंड फेज 2 में 1 ईयर की प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है जो कि MCE पुणे, MCTE मऊ, MCEME सिकंदराबाद के कैडेट ट्रेनिंग विंग में होती है एंड 5 साल के ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट रैंक पर टेक्निकल ऑफिसर बनोगे। एंड 10+2 TES एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम 16.5 इयर्स से लेके 19.5 इयर्स के बीच में होने चाहिए। नेक्स्ट जो डायरेक्ट एंट्री है वो है TGC यानी टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स। यह एक टेक्निकल एंट्री है, इसके लिए कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री कंप्लीट की होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद उनका SSB मेडिकल होगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट की इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी एंड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट रैंक पर ऑफिसर बनोगे एंड इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 20 से लेकर 27 इयर्स के बीच में होने चाहिए। नेक्स्ट जो डायरेक्ट एंट्री है वह SSC टेक मेन एंड वुमेन। यह एक शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री है जिसके लिए मेन एंड वुमेन दोनों ही एलिजिबल होते हैं एंड इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री कंप्लीट किया होना चाहिए, वह इस फॉर्म को भर सकते हैं एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा एंड लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी एंड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट रैंक पर ऑफिसर बनोगे एंड इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम 20 इयर्स से लेके 27 इयर्स के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट जो डायरेक्ट एंट्री है वो है SSC जैग एंट्री, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट के लिए एंड इसमें मेन एंड वुमेन दोनों ही एलिजिबल होते हैं एंड इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री कंप्लीट की होना चाहिए, साथ ही वह क्लैट PG एग्जाम के लिए अपीयर्ड होना चाहिए, वह इस फॉर्म को भर सकते हैं एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनके एकेडमिक स्कोर को देखते हुए SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद उनका SSB मेडिकल टेस्ट होगा एंड लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी एंड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट रैंक पर ऑफिसर बन जाओगे एज अ लॉयर एंड इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम 20 इयर्स से लेकर 27 इयर्स के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट जो डायरेक्ट एंट्री है वह स्पेशल एंट्री है
एंड यह सिर्फ एनसीसी कैडेट के लिए होते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए कैडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होना चाहिए। साथ ही उनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम बी ग्रेड के साथ, फिर वह अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके एकेडमिक स्कोर को देखते हुए एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा एंड लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। एंड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट रैंक पर ऑफिसर बन जाओगे। एंड इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपकी एज 19 to 25 years के बीच में होना चाहिए। एंड दोस्तों, मैंने जितने भी एंट्रीज के बारे में आज बताया है वो सभी एंट्रीज के नोटिफिकेशन साल में 2 बार रिलीज होती है। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी के साथ साथ यूपीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे ऐसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी प्रिपरेशन को तेजी से कराने के लिए मैं आप सभी को एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि चक्षु प्रकाशन की है, ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन, जिसमें 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर है, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे टॉपिक के डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो मैं चाहूंगा इस बुक को जल्द से जल्द अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें एंड अपनी तैयारी को तेजी से करें। साथ ही इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी बुक को परचेज कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को तेजी से कर सकते हैं और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द बुक को परचेज कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें लक्ष्य इंडियन आर्मी चैनल को ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो आगे देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।